रोल ऑफ टीचर एज एन ऑर्गेनाइजर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो उसको अगर आप उसके उसके काम का जायजा लें तो हमने देखा कि जो एज ए मैनेजर उसका जो काम है एज ए क्लास रूम मैनेजर उसमें आ, एक रोल ऑर्गेनाइजिंग का भी है तो एज एन ऑर्गेनाइजर उसका उसके जो टास्क हैं वो क्या हैं उसने क्या करना है उसका यह है कि वो सबसे पहले उसका जो रोल है वो टास्क डिफाइनिंग है फिर असाइनिंग टास्क है इसके बाद यह है कि वो टास्क ग्रुपिंग है मैंटोरिंग द टास्क एंड एप्रीशिएटिंग है अब अगर आप इसको आ, फर्दर चलें तो उसका रोल जो है एज एज एन ऑर्गेनाइजर वो यह है कि डिटर्मनिंग द टास्क टास्क व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ टू हाउ टू डू इट एंड हु इज टू डू एंड देन टास्क ग्रुपिंग है और उसके बाद यह है कि हम आगे जब चलते हैं तो देखते हैं कि हु रिपोर्ट्स टू होम कि कौन किस को रिपोर्ट कर रहा पूरा जो स्टेज है पूरी जो जो एक ऑर्गेनाइजिंग है हमारे क्लासरूम सेटिंग की या उसको हम किस तरह से के मैनेज करते हैं कि डिसीजन कौन सा कौन करेगा यह भी है और उसके बाद यह है कि जो स्ट्रेटजी क्या होगी अगर हम प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है उसके उसको सॉल्व करने के लिए अब हम ये देखते हैं कि बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन बेस है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वो उस पर उसको भी देखना है उसका भी जायजा लेना टीचर का काम है और उसके बाद जो सिम्पलर जो पैटर्नस हैं उसकी जो कॉन्सेप्ट लर्निंग के हवाले से उसको भी जो है वो टीचर ने ऑर्गेनाइज करना है और इसके बाद यह है कि वो प्रॉब्लम अगर वो वो जब जानता है तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों की जो थिंकिंग है उसको गाइड करना ये भी टीचर का रोल है और इसके बाद यह है कि वो आइडियाज थे कि वट अप्रोच इज टू बी फॉर सोल्विंग द प्रॉब्लम देन हेल्पिंग कीप मेमरी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम कि कौन सा ट्रैक है कौन सा तरीकेकार है जिसके जरिए वो वो उस पूरे सिस्टम को पूरी पूरे जो पैटर्न है उसको बच्चों को कहे कि भाई आप उसकी जो आ, उसका उसको, उसकी मेमरी रखें ताकि फर्दर जब आप उसको इसी से सिमिलर क्वेश्चन जब सामने आपके आए तो उसको आप सोल्व कर सकें इसके बाद यह है कि क्लासरूम सपोर्ट मटीरियल जो है उसका अरेंज करना यह भी उसका काम है और उसके बाद यह देखना है कि असेसमेंट uh, करना कि व्हाट हैव बीन अचीव्ड क्या उसके बाद उसकी फीडबैक जो है वो भी लेना स्ट्रक्चरिंग लेसन प्लान कि ये क्लासरूम अगर आप ऑर्गेनाइजिंग uh, क्लास में अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहला ये है कि स्ट्रक्चरिंग अ लेसन देन बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस लर्निंग एंड लेसन जो पिछले उसने पढ़े लेसन है उसके ऊपर बेस करते हुए फर्दर स्ट्रेटेजी जो है वो डिवेलप करना है शेयरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ऑफ दी लेसन है कि बच्चों को के साथ ये शेयर करना कि हम आज क्या करेंगे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की टीचिंग का आज की क्लास का इसके बाद रिसोर्सेज फॉर लेसन है लेसन के लिए जितने भी रिसोर्स हैं उसकी अरेंजमेंट करना टीचर का काम है वो ऑर्गेनाइज करता है पूरे से स्टेज uh, सेटिंग करता है और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज जो है उसको प्लान, प्लान करना और उसको वहां पे ऑर्गेनाइज करना ये भी टीचर का रोल है एज एन ऑर्गेनाइजर देन असेसिंग पीपल्स अचीवमेंट जब बच्चे ने कुछ अचीव किया है तो उसका टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है और उसके उसके अलावा अगर बाकी कोई टेक्निक हमने यूज करनी है तो उसको हमने किस तरह से लेके चलना है सो इन शॉर्ट अगर आप टीचर का ऑर्गेनाइजर के तौर पे रोल लें तो वो टीचर बच्चों के लिए लेसन प्लान जो है उसको ऑर्गेनाइज उसकी अमली शक्ल देता है ऑब्जेक्टिव को रियलिटी तक ले जाने में उसकी रियल जो परफॉर्मेंस है उसके लिए स्टेज सेट करता है और इसके अलावा यह है कि इवन उसकी तमाम जो बिट्स हैं तमाम जो स्टेप्स हैं उसकी सब हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करता है उसको वो कोऑर्डिनेट करता है और उसको वो परफॉर्म करने में फैसिलिटेशन मुहैया करता है तो इस वजह से जो टीचर का रोल है वो एज एन ऑर्गेनाइजर वो कमेंडेबल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस, इसी को अगर आप रोल को चल, इसको ऑर्गेनाइजर के तौर पे उसको देखें तो जो लेसन प्लान उसने डेवलप किया है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं जो उसका जो इक्विपमेंट है उसका उसका ना सिर्फ होना बल्कि ऑपरेशनल होना वहां पे क्लासरूम के अंदर बहुत जरूरी है अदरवाइज अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करके चलते तो ना तो आपका आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है ना ही आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं ना बच्चों के अंदर इस तरह की कोई स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं कि वो खुद ऑर्गेनाइज करें या वो ग्रुप में काम करना सीख जाएं